हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BLET.IN। अब हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये है, y इज इक्वल्स टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। ये दिया हुआ है हमें और हमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ए तो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स साइन एम एक्स का प्लस ये कैपिटल बी है, बी बाहर ले लेंगे कॉस एम एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, साइन एम एक्स का क्या होता है, साइन एम एक्स का होता है कॉस एम एक्स, लेकिन जब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम आएगा, तो हम एम इधर लिखे दे रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में ही है, प्लस ये बी कॉज एक्स का आएगा माइनस का साइन एम एक्स, और यहाँ पर भी इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम आएगा, तो एम दोनों में एम है, हमने एम कॉमन ले लिया, ये आएगा ए कॉज एम एक्स माइनस का बी साइन एम एक्स। ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है हमें, लेकिन इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है तो हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एम कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, इधर भी जब हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स होगा कॉस एम एक्स का माइनस यहाँ पर बी बाहर ले लेंगे साइन एम एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। एम जब कॉस एक्स का होगा तो आएगा माइनस का साइन एम एक्स आएगा, और यहाँ पर एम रह जाएगा, माइनस बी साइन एक्स का होगा तो कॉस एम एक्स होगा, और एम ये बाहर आ जाएगा तो हम इधर लिखे दे रहे, एम दोन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए साइन एम एक्स माइनस बी कॉज एम एक्स, माइनस कॉमन ले लेंगे इधर तो माइनस का एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ये हो जाएगा। ये वैल्यू हमें दी हुई थी वाई की, तो हम इसकी जगह लिख देंगे माइनस का वाई स्क्वायर बाई, अब ये माइनस में इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। अब कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसी से रिलेटेड। जैसे दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी, और हमें प्रूफ करना है डी एन वाई डी एक्स पावर एन इज इक्वल्स टू वाई एन। तो हमें इसके लिए वाई एन का मतलब है हमें एन टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना है इस फंक्शन का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने मान लिया अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते डी वाई ओवर डी एक्स एक बार करते, डिफरेंशिएशन क्या होता, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी, ये आएगा। लेकिन ये एक बार डिफरेंशिएशन किया था हमने, अगर हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए इसका भी ई की पावर ए एक्स प्लस बी आएगा, और जब इसका करेंगे तो ए आएगा, तो हम यहाँ पर ए लिखे दे रहा है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही जब हम ये दो बार किया था मान लिया, तीसरी बार किया तो ऐसे ही आएगा ए की पावर थ्री हो जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस बी आएगा, ऐसे ही जब हम करते रहेंगे एन टाइम्स भी करेंगे तो यहाँ पर ए की पावर एन हो जाएगा, और ई की पावर जो हमें दी हुई है वो हो जाएगी वैल्यू, मतलब कितने भी टाइम्स करेंगे तो वैल्यू इसी तरीके से आएगी। तो ये है तो डी की पावर एन टाइम्स ही ना, डी की पावर एन टाइम्स मतलब एन बार इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, आएगा क्या
यही तो आएगा, तो इसी को हम वाई एन लिख देंगे। इसी तरीके से ये लेबनिट्ज थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, तो इसमें देखेंगे हम। इसमें ये कहा गया है कि इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट देयर ऑल डिफरेंशिएशन कोफिशेंट एग्जिस्ट, मतलब सबकी डिफरेंशिएशन कोफिशेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो nth डिफरेंशिएशन कोफिशेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय यू डॉट वी के फॉर्म में दिया हुआ है ये, तो ये इस तरीके से आएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो हम कैसे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन का को यूज़ करेंगे। तो अगर हम यू डॉट वी का वैसे फॉर्मूला देखें डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो क्या होता है, हम इसको छोड़ देते हैं, इसका कर देते हैं, और फिर इसका इसको छोड़ देंगे और इसका कर देंगे। ये सभी एन इजक्वल्स टू वन, ये वैल्यू कोई भी है इसके लिए ये हमेशा यही रहेगा, मतलब अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबके लिए यही चीज़ है। तो अगर ये कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है एन की, तब क्या होगा, तब ये होगा डी एन यू डॉट वी इजक्वल्स टू डी एन यू, वी को छोड़ दिया, प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन यू डी वी, प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू यू डी टू वी, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस यू डी एन वी, यहाँ तक। ये सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन होगा, तो ये एन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि अगर डी वाई ओवर डी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आता है, इसलिए यहाँ पे एन प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी एन प्लस वन यू वी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा डी एन यू डी वी, प्लस ये इसका हम करेंगे, तो सबसे पहले इसका करेंगे उसके बाद इसका करेंगे। तो हमने क्या किया, एन सी वन इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको छोड़ दिया, प्लस फिर इसका किया और इसको छोड़ दिया, तो इस तरीके से आएगा। ऐसे ही सारे में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी। इसके बाद हमने इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डी एन यू डी वी कॉमन आ रहा है हमारा, तो प्लस, तो ये कॉमन हो जाएगा इनमें, ऐसे ही इन सब में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जब कॉमन लिया, वन प्लस एन सी वन ये रह गया, आगे वाले टर्म में लेंगे कॉमन तब ये रह जाएगा, उसके बाद ये रह जाएगा, ऐसे ही सारे फंक्शन में होता रहेगा। अब हमें ये पता है कि एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इजक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें वैल्यू जब हम रख देंगे, ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, ये फॉर्मूला यूज करके, तो हमारा क्या आएगा आंसर, ये आएगा डी एन प्लस वन यू डॉट वी डी एन प्लस वन यू वी प्लस एन प्लस वन सी, इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा पूरा। और यही तो हमें बताया गया है लेबनिज़ थ्योरम में, यही तो प्रूफ करने को बोला था, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन क्या बताती है कि ये थ्योरम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हो एन के लिए उसके लिए प्रूव्ड है, मतलब ये उसके पर उस पर काम करेगी। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन के लिए तो है ही, एन प्लस वन के लिए भी है, एन प्लस टू के लिए भी है, इसका ये मतलब है। तो मतलब हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए, एन की हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये थ्योरम प्रूव्ड है। तो थैंक यू।